पहुंच चुके हैं। हमारा मेला नहीं बाबू, नहीं खा सकते आइसक्रीम। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगते हैं हम लोग। वो देखो वहाँ पे सब कुछ। हेलो, रोने लगा। रो तो खो जाएंगे, देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है। किधर गए भाई? एक चम्मच, जिन्हें हमने खो दिया एंड उनकी डेथ ना जॉन्डिस बीमारी से हुई थी। प्रणाम करो। प्रणाम। उनके दरबार में पूजा आराधना की, ढेरों सारी मन्नतें मांगी एंड पता नहीं कह सकती हूँ कि एक चमत्कार सा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, so, आज का व्लॉग ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम सब चलने वाले हैं हमारे ही पास वाले गांव का बहुत ही प्यारा सुंदर सा फेमस मेला। यस भैया, मेला। सो चलो आप लोग भी हमारे साथ चलो और साथ मिलकर ना ढेर सारी मस्ती करते हैं। कहाँ लेके जाएंगे बताओ? नहीं लेके जाएंगे। चक्का पंचर कर दूंगा। अरे बाप रे। चलो भाई टगलू, फटाफट बैठो। मैं, पापा, टगलू भैया, टगली नैना, हम चारों चलेंगे। ना भाई चटोरी। एक्साइटेड है ना? कितना जन हुए भाई? चार जन। अच्छे से गिनो बता। बर्तली मेला देखा है टकली भैया? हाँ। देखा है कि नहीं बताओ? हाँ। ना किधर है बताओ तो? आगे है जहाँ से राशन का सामान लाते हैं टकली, याद है ना? वहीं से। छह बार देखा है। इतना बार जाता है पापा के साथ। चलो भैया आगे आगे बढ़ो, आगे आगे चलो। पापा किधर गए टकलू? करे किसी की तरफ किधर गायब हो गए? चाट खा लो। चाउमीन तो हटिया से खाते रहता है बाबू। आज कुछ अलग खाओ, ठीक है ना? नहीं।
चाउमीन। और टकली नैना तुम्हें क्या खाना है बाबू? चाउमीन। दोनों का फेवरेट है ना चाउमीन, इसलिए। बाबू वहाँ खा लेगा, चलो यही खाएगा बाबू, चलो। का चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये हमारी दी मिली और ये हमारे व्लॉग्स को डेली देखती है ना। थैंक यू सो मच। कब से देख रहे हो? एक साल से। वाव, यानी ये हमारी बहुत पुरानी फैमिली मेंबर है, एक साल से डेली व्लॉग्स देख रही है और यही की है ना। आप लोग भी आए हो अपनी पूरी फैमिली के साथ, इंजॉय कर रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ अच्छा, आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं बताइए? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगते हैं व्लॉग? वो देखो वहाँ पे सब कोई आया है, सब वहाँ पे खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार एंड सपोर्ट देते रहो। बाय कर दो। बाय। थैंक यू सो मच। खाने लगा टकलू? क्या खा रहा है टकलू भैया, क्या खा रहा है? खाओ, चाट खा रहा है। खाओ, 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 खा लो। चाउमीन भी खरीदेंगे, पहले चाट खा लो, दोनों खा लो उसने, ठीक है? दोनों एंजॉय कर लो बाबू। हाँ तो चाउमीन भी खरीदेंगे, पहले चाट तो खाओ। एक ही बार ले लेता है फिर बर्बाद कर देता है, खाता नहीं। मिला, 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 मिला। ये वाला पहले खा लो, इसके बाद ये वाला पहले खा लो। ना खाई, ना खाओ, खाओ ना, खाओ बाबू, खाओ। टकलू भैया खाएगा, खा लो। को रोने लगा रोतू। यहाँ चाउमीन नहीं है, सिर्फ चाट है, चाट खाएगा। इस वाले प्लेट में मैं और टकली दोनों इंजॉय कर लेंगे। मेरे को भी तो खिला भाई, अकेले अकेले टूस रही हो। चलो कैसा है बताओ? टेस्टी है ना। जल्दी जल्दी सारे चट कर जाओ, पापा को भी खिला दो थोड़ा सा। क्या खाना टकली भैया को? चाउमीन। अच्छा चाउमीन खरीदेंगे, चलो खरीदो बच्चा की। बाबू वहाँ खाएगा, बाबू वहाँ पे, वहाँ पे बिठा के तुमको चाउमीन खरीदेंगे और एक प्लेट घर के लिए भी ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है बाबू। यहाँ पे इतना थोड़ू सा दे रहा है, इतना थोड़ू सा, देखो। आओ एक चम्मच खा लो बाबू, आओ एक चम्मच। जल्दी जल्दी फिनिश करो, स्पाइसी था ना टकली नैना, स्पाइसी था ना। जल्दी जल्दी खाओ। उधर देखो वो भाई साहब चटोरा पापा के साथ चला गया है चाउमीन खरीदने। टकलू भैया का फेवरेट है ना चाउमीन, चाउमीन के अलावा कुछ चटोरे को कुछ चूसना ही नहीं है। अच्छा लगा ना? ये देखो छुपा रुस्तम यहाँ बैठ कर चाउमीन खा रहा है। खड़े खड़े हाँ टकलू, अकेले अकेले खाएगा, हमारे साथ नहीं शेयर करेगा, बताओ नहीं शेयर करेगा। तो मैं पकड़ देती हूँ, तुम फटाफट खाना, मैं पकड़ देती हूँ, ठीक है? नहीं तो गिरा देगा, छोड़ो छोड़ो, गिरा देगा बाबू, मैं पकड़ देती हूँ, तुम सिर्फ खाओ। नहीं गिराएगा ना लो। हम खरीदेंगे एक्चुअली ना भैया, अभी पापा के पास चेंज नहीं है, जितना चेंज था उसमें इसको इस चटोरी को चाट खिला दिए और टकलू भैया को चाउमीन खिला दिए। अब हटिया जाएंगे ना, वहाँ पे खरीदेंगे। कैसा है टकलू बता दो? टकलू भैया सिर्फ पहले ही जा रहा है तभी से, कैसा है थोड़ा सा बता दो, कैसा है? हाँ अच्छा। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी चट कर जाओ, किसी के साथ शेयर तो नहीं करेगा। हो गया टकलू, आराम से पानी पी लो, चलो ये देखो। हो गया टकलू भैया, कैसा लगा बताओ चाउमीन खा के? ना, किसी के साथ शेयर तो किया नहीं। हाथ पकड़ कर ही चलो टकलू भैया, वरना खो जाएंगे। देख रहे हैं ना कितने भीड़ है, किधर गए भाई, नहीं दिख रहे हैं, किधर गए टकलू? पापा छोड़ के भाग गए ना टकलू भैया? नहीं छोड़ के भागे, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, वरना हम लोग पीछे हो जाएंगे।
खुशियों के साथ लोग इस त्यौहार इस फेस्टिवल को मनाते हैं एंड इनके कारण ना एक बार सच्ची में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। बहुत सारे लोगों को पता होगा जैसा कि टकली नैना, धन्नो भाई या रवि, मेरे तीनों भाई बहनों से पहले भी ना मेरे दो भाई थे जिन्हें हमने खो दिया एंड उनकी डेथ ना जॉन्डिस बीमारी से हुई थी। एंड पता है जब मेरे दोनों भाइयों के बाद धन्नो भाई यानी आरती हमारी लाइफ में आई तो 2-2.5 साल की उम्र में उसे भी ये सेम जॉन्डिस वाली बीमारी हो गई थी। दोनों भाइयों की तरह ही हमने उसे भी काफी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था, बहुत कुछ यार मींस क्या कुछ नहीं किया था, बट उसकी हालत ना लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, कोई सुधार नहीं हो रहा था एंड हमारे अंदर भी ये डर सा आ गया था कि कहीं हम आरती को भी ना खो दे, मींस वो ना हमारी लाइफ के सबसे बुरे दिनों में से एक था। लेकिन फिर ना किसी ने हमें इन मौनसा माता के बारे में बताया एंड फिर हम उनके मंदिर गए, वहाँ पर हमने मत्था टेका, उनके दरबार में पूजा आराधना की, ढेरों सारी मन्नतें मांगी एंड पता नहीं कह सकती हूँ कि एक चमत्कार सा हुआ। चलो भैया आगे आगे बैठो, जल्दी जल्दी आगे, किसको हुई प्रणाम कर लिया ना। लाइक धीरे धीरे आरती की हेल्थ ना काफी अच्छी होने लगी, ठीक होने लगी एंड बिल्कुल हमारी आरती काफी अच्छी चंगी वाली हो गई। मतलब भैया आरती को दूसरा जन्म मिला था ये कहना गलत नहीं होगा और आज आप लोग देखते ही हो हम सब की प्यारी चटोरी धन्नो भाई हम सब के साथ है, साथ मिलकर हम लोग कितनी सारी मस्ती करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। यही थी मेरी लाइफ की एक स्टोरी जो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो चलो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप कि आप सभी को आज का हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा एंड आप लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती धमाल की होगी, इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा और ऐसे ही मजेदार ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को